कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों बिकॉम पार्ट सेकंड में अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर IAS 14 हम देख रहे थे, इसका पार्ट फिफ्थ आज हम देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम मैंने इसमें ली है जिसमें कि राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड है, दोनों विलय की प्रकृति का है ये मर्जर, और ये 1 अप्रैल 2015 को जो है एकीकृत हो गई और नई कंपनी जो है अमालगमेटेड होकर नई कंपनी बनी, मोहन लिमिटेड की स्थापना करी इन्होंने। दोनों कंपनी के बैलेंस आपको दे रखे हैं, दोनों को मर्ज करते हुए जो है आपको नई कंपनी बनानी है। दोनों के इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रेवेन्यू जनरल रिजर्व P&L इन्वेस्टमेंट अलाउंस और 13% डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये सब मर्ज होकर के नई कंपनी बन रही है। तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उनको लीजिए और नहीं तो जो भी फिगर दिए उनको टोटल करके वहाँ पर लिखना होगा। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको सूचना दी कि राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड के ऋण पत्रधारियों को जो है मोहन लिमिटेड ने लिया और बराबर संख्या में जो है 15% के ऋण पत्र दे दिए। अब देखिए पुराने जो ऋण पत्र थे वो हमारे कौन से थे, ऋण पत्र डिबेंचर्स 13% थे, तो अमाउंट तो इसका जो है 13% वाले का 50 और 28 ही रहेगा, लेकिन उसकी जगह जो इनको नए कौन से दे दिए, नई कंपनी बन रही तो इनको नए दे दिए गए, ठीक है 15% के डिबेंचर्स दे दिए गए और 10 रुपये वाले 100 रुपये वाले। प्रेफरेंस शेयर्स जो है दो कंपनियां पुरानी कंपनी और मर्ज होकर के जो है वो 14% वाले प्रेफरेंस शेयर्स बन रहे हैं जो कि 125 रुपये पर है, तो इसकी जगह पर आपको नए जो है शेयर्स लेने होंगे। तो ये इस प्रकार से होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 8500, इक्विटी शेयर्स आपको 8,500 थे और वो 7,250 थे। ये भी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इसने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होंगे। ये देखिए आप इसमें दिया कि भाई पूर्वाधिकार हिस्सेदारी को मोहन लिमिटेड की 14% परिवर्तित करिए 125 रुपये वाले पर, तो यानी कि वो प्रीमियम पे हो जाएंगे और मोहन लिमिटेड के जो है एक इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। तो इसको हम 8,500 जो उसके शेयर्स हैं उसको इंटू 4 से गुणा करेंगे, ये 8,500 शेयर्स इनको 4 से गुणा करेंगे तो इतने शेयर हो जाएंगे, और उसके जो है कितने शेयर हैं 7,250 है, तो उसके बदले में भी उसमें आप उसको जो है 7,500 को 3 से करेंगे तो आपके उसके जो है आ जाएंगे, लेकिन एट द रेट ऑफ 35 होगा ये। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और सबको जो है इस वाली नई वाली बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। और विनियोग छूट और संचय 2 सालों के लिए रखना है और इक्विटी शेयर का आपको बता ही दिया गया। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन अगर हम करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके पास में 2 तरह के हैं, 3,200 और 750 के, लेकिन उनकी रेट है 125 रुपये। इसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स के कौन से आपके पास में 8,500 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है, इंटू 4 किया था आपने तो 34,000 शेयर हो गए, तो 34,000 शेयर्स इंटू आपने 35 किया तो ये आ गया 11,90,000 और 7,250 को भी 3 से गुणा किया तो आ गया आपका जो है 7,61,250 रुपये। तो अब इनको ऐड कर लिया गया, पहले में 15 लाख टोटल आ रही, दूसरे में 9 लाख की टोटल आ रही है। और नीचे आपको दिया गया कि भाई अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 14 है उसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, कि क्रय प्रतिफल के अंतर्गत हस्तांतरित कंपनी के अंशधारियों को जो भुगतान किया जाता है केवल वही होगा उसमें शामिल होगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स को किया गया पेमेंट ही क्रय प्रतिफल माना जाएगा। ऋण पत्रधारियों को आप देंगे और अगर उसे आप क्रय प्रतिफल में जोड़ने की कोशिश करते हैं आपका टेक्निकली मिस्टेक हो जाएगी, तो इसलिए हमें जो है उसको तब उसमें नहीं लेना है, शेयर होल्डर्स को ही लेना है उसको नहीं लेना है। तो ये परचेस कंसेशन तय हुआ है, दैट मीन्स इनके बीच में जो भी चल रहा है उसका कुछ चेंज जो है इसमें दे करके आपको दिया गया सॉल्यूशन। अब ये देखिए लाभानी खाते के शेष की गणना हो रही है और इसी तरह से जब परचेस कंसेशन से तुलना करेंगे आप इसकी भी शेयर कैपिटल जो है आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11,70,000 है और उसमें 9 लाख है, इसकी तुलना की आपने परचेस कंसेशन से 15,90,000 और उसमें परचेस कंसेशन 9,80,000 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 4,20,000 और 80,000 ये जो है संचय के रूप में जो है दिखा जाएगा। तो कुल अंतर की राशि आपके 5,00,000 रुपये होती है जो कि संचय में दिखानी है आपको, तो 4,00,000 के रिजर्व हैं और एडजस्टमेंट हुआ 4,00,000 का, P&L अकाउंट में आपके 1,27,000 है और उसका एडजस्टमेंट हुआ 1,00,000 रुपये का, यानी कि कुल 5,27,000 के बदले में आपने 5,00,000 इनको जो है शेयर्स दे दी हैं। प्रतिभूति प्रीमियम राशि की गणना करनी है तो ये आपका अभी बताया कि 25 रुपये पर शेयर 135 पर लिया आपने, तो 100 तो पहले ही था तो 25 रुपये उसमें प्रीमियम दे रहे हैं आप, तो ये 25 रुपये प्रीमियम शेयर कहाँ से आएंगे आपके, वही वाला तरीका, ये शेयर्स जो हैं आपके यहाँ से लिए हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि टोटल शेयर्स हैं 8,500 के और 7,250 के आपके शेयर्स हैं, ये नीचे आ जाएंगे वापस, ये देख लीजिए 8,250 के शेयर्स हैं और 7,250 के शेयर्स हैं, और उसमें क्या हुआ इनकी